ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां स्पोर्ट चैंपियन में विजेताओं को पूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया सम्मानित। आगे बात होगी बलिया की, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय चुनाव कार्यालय। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां गौतम बुद्ध की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सहसवान बदायूं उच्च शिक्षा डीपी महाविद्यालय सहसवान से अध्ययनरत हैं। इमरत खान व रुहान खान को बचपन से ही खिलाड़ी होने की ललक ने ही उनको अपनी खेल प्रतिभा को हमेशा निखारने का ही प्रयास किया। अच्छा धावक होने के साथ ही अपने खेल का प्रदर्शन कर कई मेडल जीते। इमरत ने बताया कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस कॉम्पिटिशन डीपी महाविद्यालय का एडिशन 12 मार्च 2024 को हुआ था, जिसमें महाविद्यालय के सभी प्रांतों के धावकों ने भाग लिया। सहसवान में प्रतिभागियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। सहसवान के मोहल्ला शाहबाजपुर तहसील सहसवान डिस्ट्रिक्ट बदायूं स्टेट उत्तर प्रदेश के रहने वाले धावक इमरत खान ने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आप देख रहे हैं समाचार नेशनल न्यूज, मौजूद हूं मैं बदायूं के सहसवान के मोहल्ला शाहबाजपुर में। कहते हैं कि बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी किसी भी काम के लिए लगन या मेहनत करे उसे ऊपर वाला उसका सलाह जरूर देता है। ऐसे ही सहसवान के डीपी महाविद्यालय में दो छात्रों ने खेल कूद इस बार में बहुत नाम रोशन किया है। अब उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इसका शेयर किसे देना, माता पिता को देना चाहते हैं, परिवार को देना चाहते हैं, या फिर वो उनकी खुद अपनी मेहनत और लगन कमाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरत अली और मेरे पिता का नाम चांद मियाँ है। तो मेरे पिता का नाम चाहत मियाँ है। तो मेरा कल काफ़ी दोस्तों ने मतलब मेरा साथ दिया है और मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो इसलिए ही मैं मतलब आज आगे बढ़ा हूँ। तो आज मैं डीपी कॉलेज से चैंपियन बना, मुझे 2024 का चैंपियन किताब मैंने अपने नाम किया डीपी महाविद्यालय से। और अच्छा, आपने आपको ये इस चीज़ का कब से पढ़ा शौक, कितना लंबा टाइम होगा आपके लिए? सर इसके लिए मेरे लिए बदायूं से सीनू संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भाजपा लोकसभा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में बलिया चंद्रशेखर नगर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों और ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ नीरज शेखर को बलिया जनपद वासियों का उपहार, स्नेह और प्यार मिल रहा है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिसको देखकर विपक्षी दलों को घबराहट पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में सनातन नाम की आड़ में समाजवादी पार्टी अपने राम विरोधी चेहरे को छुपाने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। श्री चौबे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर इतने ही सनातन प्रेमी हैं तो ये बताएं कि वह रामलला के मंदिर कब जा रहे हैं। कि एक थी भाजपा, एक थी भाजपा, एक थी भाजपा, थी भाजपा, एक थी भाजपा, 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 भाजपा। देखो, मैं आज रिव्यू ऋषि की धरती से कह रहा हूं, इसको पंडित का साफ मत समझना, मैं साफ नहीं देता हूं, मैं परशुराम का वंशता हूं, मैं ऋषि परंपरा को बहुत ही मानने वाला वेद शब्द और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण सुन ले कान खोल करके ये नगरी हो जो फिर दिखाने का कर रहे हैं, इनका नाम और निशान धरती से 4 तारीख को मिट जाएगा तो फिर कौन ने कहा है कब वापस लेंगे? पीओके कब लेंगे? 10 सालों में नहीं ले पाए। पीओके कब लेंगे वापस? अरे भाई, पीओके तो हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और पीओके को जब 400 पार होगा तो पीओके को अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में मिला। बलिया से सीनियर संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहुंचे शिवसेना शिंदे गुट के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह ने जौनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया
कि प्रधानमंत्री के कार्यों को और भी आगे बढ़ाने के लिए, देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए शिवसेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में हमें पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम पूर्वांचल की जौनपुर और मछली शहर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज और कृपा शंकर सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। हम पूर्वांचल की पूरी सीट जीत रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मेरा परिचय तो आपसे है ही है, लेकिन मैं फिर से अपने शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे युवा पत्रकार बंधु भी जो है अभी मुझे दिख रहे हैं। मैं विक्रम प्रताप सिंह मूलतः आपके जनपद का हूँ, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र मुंबई है। मैं वर्तमान समय में मुंबई में कॉरपोरेशन का नगर सेवक के साथ साथ कार्यकाल तो खत्म हुआ, संगठन में मेरा दायित्व तो वहाँ पे जिला अध्यक्ष का है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट। उसके बाद अतिरिक्त मुझे जो दायित्व तो मिला है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी का दायित्व तो मेरे पास है। पहले भी मैं जो अखंड शिवसेना थी उसके भी प्रभारी के रूप में मैं काम करता था, लेकिन मैं 3 राज्यों का प्रभारी हूँ अपने संगठन शिवसेना का। हमारे मुख्य नेता माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब है, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के को फिर से गौरवान्वित करने के लिए, विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए, विकसित मुंबई बनाने के लिए वो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। संगठन में भी उनका एक अलग छाप है। वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पदचिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दे को लेके प्रखर तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उसी के कड़ी में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुनके आएंगे, उनका हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में महाविकास युति के हम सभी अभिन्न अंग हैं, तथा भारत में जो हमारा NDA अलायंस है उसके हम लोग अभिन्न अंग हैं। महाराष्ट्र में हमारा चुनाव खत्म हो गया है, उसके बाद से हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हम जैसे लोगों को, मुझे जैसे कि उत्तर प्रदेश भेजे, दिल्ली भेजे, खुद उनका प्रवास अभी पटना में, वो जाने वाले बिहार में, जौनपुर में भी उनका आगमन होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है आज उनका कुछ कार्यक्रम आ गया। नहीं तो आज का प्लानिंग हमारा था कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जनपद जौनपुर में हमारे भारतीय जनता पार्टी NDA के उम्मीदवार, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, उत्तर भारतीय समाज से वहाँ बिलोंग करते हैं, मूलतः वो जौनपुर के निवासी हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य में वो 3 बार विधायक, 1 बार MLC थे। जौनपुर से CNews संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। बुद्ध जयंती के अवसर पर एक संस्थान ने जिलाधिकारी के आवास के पास बने बुद्ध स्मारक पर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जन्मोत्सव सेवा समिति रायबरेली के संस्था के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके बताए उद्देश्य को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म के उद्देश्य से विश्व को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है और समाज को राष्ट्र निर्माण में खड़ा किया जा सकता है, इसलिए बुद्ध के बताए मार्ग पर ही चलना राष्ट्र निर्माण की प्रथम सीढ़ी होगी। मैं राजकुमार मौर्य, वाइस चांसलर ITI। साथियों, आज गौतम बुद्ध की 25वीं जयंती का कार्य आयोजन था, जिसमें ग्रामीण अंचल से काफ़ी लोग आए और शहर से भी। हम लोग इस मूर्ति पर अनवरत 2008 से लगातार इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी चरणजीत सिंह बख्शी के द्वारा भी मंच पर कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद सूचना आयुक्त श्री ज्ञान प्रकाश मौर्य जी के निर्देशन में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, लेकिन अब रोड होल्ड होने की वजह से हम लोग मंच लगाकर कार्यक्रम को नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर 400, 500, 600 की हरदम भीड़ होती है और बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चूँकि ये अनवरत कार्यक्रम लगातार चल रहा है और प्रशासन की अनुमति से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। आने वालों में जो लोग आते हैं उन लोगों को बुद्ध वंदना, कृष्ण पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, जो दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, निवारण के लिए जो तथागत बुद्ध ने पंचशील दिया, जिसमें
पाणस पाता हुए सिक्खा पतंग समाधि आमी, मूसा वाता हुए मुंडी सिक्खा पतंग समाधि आमी, अधिन्ना ताना हुए मुंडी सिक्खा पतंग समाधि आमी। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संपन्न हुए पांच चरण के चुनाव के परिणाम में 310 सीटें हम जीत चुके हैं। ये बातें गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कही। इंडिया अलायंस पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम मंदिर बनाने वालों एवं कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के बीच है। सपा कांग्रेस की इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस 40 सीट भी नहीं निकाल पाएगी, समाजवादी पार्टी तो 4 सीट भी नहीं निकाल पाएगी। इस मौके पर सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, धनगटा विधायक गणेश चौहान, मेंदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, लोकसभा चुनाव संयोजक रामललित चौधरी, प्रभारी कुशीनगर पूर्व विधायक रजनीकांत त्रिपाठी आदि तमाम लोगों ने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद डॉ. रमापति त्रिपाठी, खजनी विधायक श्रीराम चौहान, क्षेत्र उपाध्यक्ष संजीव राय, पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ल सहित तमाम लोग मंचासीन रहे। जीत गए हैं। सर, ये जनसभा आप देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि किसे नेता जैसे नेता में फिर कलयुग में भी रामराज और निशाराज आने वाला है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार जी साहब जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी मिल करके इस देश को, इस जिले के विकास के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसमें हम महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ ये हुजूम भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं रामराज आ गया। रामराज आप यहाँ का भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं 400 नहीं अभी 500 पार होगा, 400 की बतिये छोड़ेंगे। देखने के बाद आपको एकदम पता चल गया होगा। क्या लग रहा है 400 पार फिर हो जाएगा? 400 पार हो जाएगा। कहाँ धर्म सिंहवा से आए हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।